कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो पेन ड्राइव लेते हैं या मेमोरी कार्ड लेते हैं तो इसको जो फॉर्मेट मारते हैं लिखा क्या आता है डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। अब जानते हैं जो डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड लिखा के आता है तो जो मेरा मेमोरी होता है या पेन ड्राइव होता है वो जो है फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ तो मेरा फॉर्मेट हो रहा है, अगर इस सिचुएशन में आपका जो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करते हैं राइट क्लिक करते हैं और यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन लाते हैं तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपका लिखा के आ जाएगा डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। अगर आपको कुछ इस तरीके से लिखा के आ जाता है तो आप सबसे पहले आपको करना क्या है इसको मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके का नया नया लेटेस्ट वीडियो पर डे अपलोड करते रहता हूं और मैं आप सबके लिए नया नया ट्रिक ढूंढ के खोज खोज के लाता रहता हूं ताकि जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी मेरे करंट सब्सक्राइबर है या जो भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं है जो वीडियो देख रहे हैं उसको कुछ हेल्प हो सके। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है आपको सबसे पहले क्या करना है अपने विंडो प्लस आर एक साथ प्रेस करना है। इस तरीके से जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके से ये लिखा के आ रहा है रिकार्ड, तो यहाँ पे आपको नहीं रिकार्ड लिखा के नहीं आएगा, यहाँ पर मैं टाइपिंग किया हूँ तो आपको यहाँ पर लिख देना है REGEDIT। ये लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन हो गया है तो यहाँ पर है लोकल मशीन पर डबल क्लिक करना है, स्विप करना है। इसका सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर सिस्टम का इसको आपको स्विप करना है। स्विप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर करंट कंट्रोल सेट, इस पर आपको क्या करना है इसको स्विप करना है। जैसे इसको आप स्विप करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल का, इसको आपको स्विप करना है। अब यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन यहाँ पर आपको ढूंढना है, यहाँ पे आपको जो है स्टोरेज ढूंढना, यहाँ पे आप स्टोरेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पे स्टोरेज है, इस पर आपको क्या क्या इसको आपको स्विप करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है रिग कैचेस स्टेट का, इस पर आपको क्या करना है डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कि ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुका है, यहाँ पे देखिए रिग कैचेस अपडेट का, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए वैल्यू डाटा जो है यहाँ पे वन लिख रखा है, आपको यहाँ पे इसको आपको जीरो कर देना है। यहाँ पे जैसे आप जीरो कर देते हैं, जीरो करने का सिंपली आपको क्या करना है इसको ओके कर दीजिएगा। इसके बाद सिंपली इसको क्या करना है वो कट करके हटा देना है, इसके बाद दो बार इसको तीन बार इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से हम चलते हैं यहाँ पे होम पे, इसके बाद बड़ा करते हैं और यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे जो है पेन ड्राइव लगा हुआ है, इसको क्या कीजिए आपको जो है हटाने का इसको दो तरीका है, या तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको इजेक्ट है ये करके यहाँ से हटा सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है तो ये निकल जाएगा। चलिए हम फिर से इसमें इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया हूँ। इंसर्ट करने के बाद देखिए कि यहाँ पे जो है आ चुका है। अब मैं यहाँ इसको फॉर्मेट करूँगा, जैसे यहाँ इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ फॉर्मेट वाले पे ओके करता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। अगर आपके जो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा तो ठीक है, अगर आपको जो नहीं आएगा वहाँ पर आपको लिखा के आ जाता है, लिखा के आता है डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड, तब तो यही जो मैं बताया हूँ ये जो आप बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा तो आपको जो है लिखा के आता है डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड वो नहीं आएगा। इसका सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली ये जो है आपका जो है जो पेन ड्राइव है यहाँ पे ये फॉर्मेट होना आपका स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से जो है आपका जो है पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कम्प्लीटली आपका फॉर्मेट हो चुका है, इसको आप जो है क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो निकालने का तरीका है आप इसको राइट क्लिक कीजिएगा, इजेक्ट कर दीजिएगा तो ये जो है आपका जो है सिस्टम से बाहर ये निकल जाएगा। तो ये तरीका होता है अगर आपका पेन ड्राइव या आपका अगर आपका मेमोरी कार्ड जो है करप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, आप उसको फॉर्मेट मारते हैं तो उसको बहुत ही ईजी तरीका से आप इस तरीके से करप्ट जो है पेन ड्राइव या आपका मेमोरी कार्ड है उसको बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप जो है उसको ठीक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।